हर हाल में डलेंगे लाडली बहना के पैसे। आचार संहिता के ऐलान के बाद सीएम शिवराज के बयान ने चौंकाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लाडली बहना योजना इस साल की बहुचर्चित योजनाओं में से एक है। चुनावों के बीच कई बार ऐसी खबरें सामने आईं कि आचार संहिता के दौरान लाडली बहना योजना के पैसे नहीं डाले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि लाडली बहना के पैसे 10 तारीख को डाले जाएंगे या नहीं। सीएम शिवराज ने बयान देते हुए कहा, लाडली बहना के खाते में पैसे हर हाल में डलेंगे और नवंबर की 10 तारीख को भी डलेंगे। बस जिस तरीके से मैं कार्यक्रम करके पैसे डालता था, वैसे नहीं डलेंगे, लेकिन लाडली बहना को 10 तारीख को पैसे उनके खाते में जरूर आएंगे। कांग्रेस कितनी भी शिकायत कर ले, लाडली बहना का पैसा कोई नहीं रोक सकता है। शाजापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत के समर्थन में रोड शो करने आए थे। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना की राशि डालने के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने की अपनी सरकार में एक भी वचन नहीं निभाया और गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं को बंद कर दिया। सीएम शिवराज ने हमला करते हुए कहा कि पिछली बार भी उन्होंने 900 वचन दिए थे, जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए। बता दें कि सीएम शिवराज के शाजापुर रोड शो को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की थी। दरअसल शाजापुर में सीएम के रोड शो के एक दिन पहले ही रोड का निर्माण शुरू किया गया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।